Good morning. Welcome to our YouTube channel. Before starting the video, make sure you have subscribed the channel and push the bell icon for latest updates. So in previous video, we have studied about the Pythagora. Now we will be studying about the genus Mucor. So in this genus of fungi, we are studying about the Mucor. So isko commonly pin molds और ब्लैक मोल्स भी कहते हैं. सिस्टमैटिक पोजीशन इसकी है किंगडम माइकोटा, डिवीजन यू माइकोटा, सब डिवीजन जैगो माइकोटीना, क्लास जैगोमाइसिटीज, ऑर्डर म्यूकोरेल्स और फैमिली म्यूकोरेस. ओके, सो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अगर हम देखें तो क्या है कि ये कॉमन मेंबर है म्यूकोरेस की और इसकी मोर देन 100 स्पीशीज़ अभी तक नोन है. ये सेप्रोफाइट होती है और साथ ही में डैम कंडीशन में ये ऑर्गेनिक मटेरियल को स्पॉइल कर देती है, सच एज ब्रेड, जैम्स, जेलीज और राइप फ्रूट्स, सिरप्स एक्सेट्रा. कुछ इसमें होती हैं कॉर्पोफिलस जो कि, और या फिर उसमें से कुछ हो सकती हैं टेरेस्टियल जो कॉज करती हैं म्यूकोरोमाइकोसिस. ये डिज़ीज़ होती है जो कि पाई जाती है डोमेस्टिक एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में. ये इन्फेक्ट करती है वाइटल ऑर्गन्स लाइक लंग्स, ब्रेन एक्सेट्रा, विच मे कॉज इवन डेथ टू द ऑर्गेनिज्म. सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट्स जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन. तो इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा कि जो प्लांट बॉडी थैलस है वो ब्रांच होती है, कोरस होती है साइनोसिटिक माइसीलियम जो कि वाइट ग्रे और ब्राउनिश कॉटनी ग्रोथ करता है सबस्ट्रेटम के ऊपर. माइसीलियम जो कि डिफरेंशिएटेड होता है एरियल और प्रोस्टेड हाइफा में. ब्रांचेस जो होती हैं माइसीलियम की वो यूजुअली टेपरिंग होती है फाइन पॉइंट्स जैसे प्रोस्टेट हाइफा जो कि फंक्शन करता है एब्जॉर्प्शन का. और इस पे जो सेप्टा होती है वो यंग हाइफे में तो एब्सेंट होती है पर जो ओल्ड होते हैं उनके ऊपर प्रेजेंट होती है. जब इस म्यूकर को अगर हम एनएरोबिक लिक्विड में कल्चर करते हैं स्पेशली CO2 के प्रेजेंस में तो जो हाइफा है वो ब्रेक होता है यीस्ट लाइक बॉडीज़ में फॉर्म होने के लिए. और ये जो स्टेट है इसको रेफर किया गया है एज टोरुला कंडीशन. तो इसकी एक स्पेशलिटी है म्यूकर की कि इसके अंदर टोरुला कंडीशन प्रेजेंट होती है जो कि क्या होती है एनएरोबिक लिक्विड में कल्चर करने पर CO2 की प्रेजेंस में हाइफा ब्रेक होता है यीस्ट लाइक बॉडीज को फॉर्म करने के लिए. वॉल्स जो होती हैं हाइफा की वो काइटिन माइक्रोफिबल से मेड अप ऑफ होती हैं और काइटोजोअन काइटोसैन से मेड अप होती हैं. बिसाइड दिस और भी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं इसके अंदर जैसे पॉलीसेक्राइड्स, प्रोटीन, लिपिड्स, प्यूरिन्स, पायरामिडीन्स एंड फ्यू मिनरल्स एग्जांपल कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा. रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होता है बोथ असेक्सुअल एंड सेक्सुअल. असेक्सुअल की बात करें तो फंगस रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय फॉलोइंग मेथड. तीन मेथड्स होते हैं फ्रेगमेंटेशन, क्लैमेडोस्पोर्स और बायस्पोरेंजियोस्पोर्स और एल्पेनोस्पोर. फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि अगर कोई भी प्लांट को जो भी हमारा फंजा है उसको मैकेनिकल इंजरी हो जाती है और उस वजह से वो ब्रेक हो जाती है तो वेजिटेटिव माइसीलियम जो होता है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होता है और हर एक फ्रेगमेंट वो ग्रो करता है एक न्यू माइसीलियम को. अब बाय क्लेमेडोस्पोर यहाँ पे क्या होता है दीज आर फॉर्म्ड अंडर अनफेवरेबल कंडीशन. ये जो स्पोर है अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं और एनोरोबिक कंडीशन में हाइफे के टिप पे सेप्टास को क्रिएट करते हैं और ये जो सेगमेंट सीक्रेट करता है ईच सेगमेंट ये जो मेड अप हुए हैं सेप्टास ये ईच सेगमेंट सीक्रेट्स अ थिक वॉल एंड अज्यूम्स अ राउंड शेप कॉल्ड क्लेमेडोस्पोर्स. अब बात करते हैं बाय स्पोरेंजियोस्पोर्स और एप्लेनोस्पोर्स में. तो ये जो डायग्राम्स हैं सबसे पहले ये तो हमारा मैच्योर्ड म्यूकर है. तो इसके अंदर क्या होता है ये मोस्ट कॉमन मेथड होता है मल्टीप्लिकेशन का
जो कि बाय एप्लोनोस्पोर्स और स्पोरेंजियोस्पोर से होता है। यहाँ पे जो हाइलीन ब्रांच जो माइसीलियम है जो कि स्पोरेंजिया बियर करती है एट द टिप ऑफ आर नोन एज स्पोरेंजियोस्पोर, सिंगल को हम कहते हैं स्पोरेंजिया। ओके, और इन सम स्पीशीज ऑफ म्यूकर लाइक म्यूकर प्रोलीफेरस जो स्पोरेंजियोस्पोर्स हैं वो ब्रांच होते हैं, इसमें अनब्रांच पाए जाते हैं। तो यहाँ पे फिगर नंबर बी सी और डी में, डी शोज द डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम। यहाँ पे हाइलम का जो हाइला टिप है वो स्वेलन दिखता है, फिर यहाँ पर एक वॉल बनती है स्पोरेंजियल वॉल जिसको कहते हैं, उसके अंदर पेरिफेरल प्रोटोप्लास्ट जनरेट होता है और यहाँ पर ये होता है कॉलोमेला। ये जो एक लेटर इवेंचुअली फॉर्म्स कॉलोमेला है, ये क्या होता है कि जब मैच्योर होता है स्पोरेंजियम तो वो डिफ्रेंशिएट होता है इनटू डिस्टल मल्टी न्यूक्लिएटेड डेंसली साइटोप्लाज्म कॉल स्पोरोप्लाज्म और सेंट्रल सिलेंड्रिकल और सब ग्लोबूज हाईली वैक्यूलेटेड न्यूक्लियोफिल स्टेराइल कोलोमोप्लाज्म और बाद में इसको ये फॉर्म करता है कॉलोमेला को। अब यहाँ पर जो स्पोरेंजियल वॉल है केवल वॉल बची रह गई और जो साइटोप्लाज्म था और ये कन्वर्ट हो चुका है स्पोर्स में, ये बन चुका है स्पोरेंजियोस्पोर्स। और इसके बाद में ये जो सेल वॉल है यहाँ से डायहेसेंस रप्चर होती है एंड स्पोरेंजियम जो है वो डायहेसेंस्ड हो जाता है। अब नेक्स्ट आता है इसका दूसरा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो म्यूकर है ये आइसोगैमस टाइप होता है, जिसका मतलब है कि दोनों दोनों इसकी स्ट्रेन्स जो है यहाँ पे प्लस स्ट्रेन और माइनस स्ट्रेन से आइडेंटिफाई किया जाता है और दोनों बॉडीज़ जो होंगी वो मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल होंगी। यहाँ पर फर्दर प्रोमोगैमेटेंजिया प्रोड्यूस होती हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो प्लस स्ट्रेन है वो तो होता है सस्पेंसर और यहाँ पर सेल डिवीजन होता है जिसके कारण एक कोइनोगैमेटेंजिया फॉर्म होती है जिसे हम कहते हैं यंग आइसोगैमेटेंजिया। अब यहाँ पर इस रिप्रोडक्शन में तीन मेनली स्टेप होते हैं। पहला तो होता है इनिशिएशन ऑफ प्रोपोगेशन, यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पे हो रहा है इनिशिएशन ऑफ प्रोपोगेशन। फिर दूसरा होता है ग्रोथ ऑफ गैमेटेंजिया टुवर्ड्स ईच अदर, यहाँ पर ग्रोथ ऑफ गैमेटेंजिया टुवर्ड्स ईच अदर हो रहा है, ये है हमारा सेकेंड स्टेप। और थर्ड एंड लास्ट स्टेप होता है फ्यूजन ऑफ गैमेटेंजिया टू फॉर्म जाइगोस्पोर, यहाँ पर फ्यूजन ऑफ गैमेटेंजिया हम देख सकते हैं जिससे हमारा जाइगोस्पोर बन रहा है। फिर ये जाइगोस्पोर फर्दर मैच्योर होता है, मैच्योर होने के बाद में फर्दर एक नया सस्पेंसर गैमेटेंजिया जाइगोस्पोर और एक नया प्लांट बॉडी को जनरेट करता है। सो एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन ऑफ जाइगोस्पोर द एक्सपोजर रप्चर्स एंड द एंडोस्पोर ग्रोज आउट इन द फॉर्म ऑफ अ लॉन्ग थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजियोस्पोर। जितने भी हैप्लोइड न्यूक्लियाई होते हैं जाइगोस्पोर में वो माइग्रेट करते हैं एट द टिप ऑफ स्पोरेंजियोस्पोर कॉन्सिक्वेंटली, और फिर वो स्वेल होती है, स्वेल्स अप होती है स्पोरेंजिया, तब उसको हम कहते हैं जाइगोस्पोरेंजियम। रेयरली पर किसी स्पोरेंजियोस्पोर में ये अराइज होती है एक सिंगल जाइगोस्पोर, जबकि ओकेजनली देखें तो स्पोरेंजियोस्पोर जो होती है वो ब्रांच होती है। केवल दो केस इन सच केसेस टू स्पोरेंजियाज आर प्रेजेंट ऑन स्पोरेंजियोस्पोर, मेनली जितने भी केसेस होते हैं वहाँ पर दो स्पोरेंजिया प्रेजेंट होती हैं स्पोरेंजियोस्पोर में। थैंक यू एंड दैट वॉज ऑल फॉर टुडे एंड होप यू लाइक द वीडियो, इफ सो देन गिव अ थम्स अप।
एंड नेक्स्ट वीडियो विल बी कमिंग सून, सो स्टे कनेक्टेड बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट.